सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन की स्टडी करेंगे और इसमें स्टार्ट करेंगे हम अजंस रूल। अजंस रूल क्या होते हैं पहले उनको समझेंगे कि अजंस रूल का काम क्या है, हमें क्यों यूज होते हैं, और पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके अजंस के तीन रूल हैं, फिर उन तीनों की बात करेंगे। हमने दो टाइप के कंपाउंड की स्टडी की, एक वो कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड होता है, और आयोनिक कंपाउंड का आपको कंसेप्ट पता है कि उसमें जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जैसे एनए और क्लोरीन जब रिएक्ट होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaCl, और ये केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसका नेम है आयोनिक बॉन्ड। अब इस आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ, सोडियम ने अपने एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर किया, क्लोरीन को, तो ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ कंप्लीट, और ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ टोटल। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो ये 100% पॉजिटिव, ये 100% नेगेटिव, मतलब इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो कैसा है, 100% आयोनिक बॉन्ड है, ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, वो कंप्लीटली नेगेटिव है, इस तरह आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो 100% आयोनिक बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ये टोटली पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना कंप्लीटली पॉजिटिव, और ये कंप्लीटली नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड 100%, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होगा तो 100% आयोनिक बॉन्ड होगा। दूसरे टाइप का बॉन्ड आपने क्या स्टडी किया, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपने दो टाइप के बॉन्ड स्टार्ट, एक सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड और एक डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड। सेम एटम का अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, सेम एटम का कॉम्बिनेशन है कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जब पार्टनरशिप होगी तो सेम एटम का जब कॉम्बिनेशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड में, तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, दोनों एटम के सेंटर में, न्यूक्लियर चार्ज इक्वल है सेम एटम है, तो यहां पर बॉन्ड पेयर जो है उनके सेंटर में, पार्टनरशिप के जो इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के सेंटर में हो, और इस टाइप के बॉन्ड का नाम हम बोलते हैं 100% कोवेलेंट, ऐसा बॉन्ड है ये 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, क्यों, कि इसमें पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन सेंटर में है, ना उधर गए ना इधर आए, ऐसे O2 मॉलिक्यूल होता है, N2 मॉलिक्यूल होता है, ये सभी सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है और इसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी करें, ऐसे एटम की डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड हो, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद फ्लोरीन, ये दोनों कंबाइंड हुए, स्टोरी आपको सब पता है कि हाइड्रोजन वीकर है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर रखता है, तो ऐसे केस में जो ये बॉन्ड पेयर है, जो हाइड्रोजन ने यहाँ पार्टनरशिप में डोनेट किया था और फ्लोरीन ने भी एक पार्टनरशिप में डोनेट किया था, बताओ दोनों के सेंटर में रह पाएगा क्या, अब डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज हायर है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, वीक है, तो बॉन्ड पेयर जो है दोनों एटम के सेंटर में नहीं रह पाएंगे, वो स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे, टू वर्ड्स फ्लोरी स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये स्लाइटली क्या हो जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो बताओ इसमें आयोनिक करेक्टर है कि आयोनिक बॉन्ड है क्या, नहीं, आयोनिक बॉन्ड में तो 100% पॉजिटिव 100% नेगेटिव ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का टोटल, इसमें
इसमें 100% कोवेलेंट था, इसमें 100% आयोनिक था, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई? कि ये कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्मेशन हुआ था, दोनों के इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में होना थे, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण क्या हो गया, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हो गया टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन बिकम पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन गेट्स पार्शियली पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुए, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि ना तो इसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन सेंटर में होते हैं, तो ना तो इसके पास 100% कोवेलेंट कैरेक्टर है, ना इसके पास 100% आयोनिक है, मींस इसमें कुछ चेंज हुआ है। अब एज पर रूल ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या है, एज पर रूल ये कोवेलेंट बॉन्ड था, पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन सेंटर में लिए थे, तो इसमें 100% कोवेलेंट होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण ये पार्शियली नेगेटिव ये पार्शियली पॉजिटिव, मतलब इस कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें डिक्रीज हुआ, और कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो गया, कुछ आयोनिक कैरेक्टर इसमें आ चुका ना, आयन बन चुके हैं ये पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर में किसकी एंट्री हो गई, आयोनिक कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है, और इस आयोनिक कैरेक्टर की एंट्री के कारण ही हम फजंस रूल की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, फजंस रूल की। फिर से एक बार समझिए, क्योंकि फजंस रूल जब तक समझ में ना आएगा जब तक ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। कोई भी आयोनिक कंपाउंड है 100% आयोनिक तभी होगा जब वो अपने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे, 100% कोवेलेंट तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन सेंटर में प्लेस करें, दोनों एटम के सेंटर में हो, तो सेम एटम का कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है, लेकिन HF डिफरेंट एटम का कोवेलेंट बॉन्ड है तो पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं। ऐसे केस में इसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हुआ है और आयोनिक कैरेक्टर इसमें इंक्रीज हुआ है। इसी बात से रिलेटेड फजंस के रूल है। अब फजंस के रूल कैसे होंगे समझ, और फजंस के रूल क्या है, पहले ये हम इतनी बात समझे, केवल ये सिंपल सी थिंग है जो आप पहले भी समझ चुके हैं। अब आइए वापस से NaCl, NaCl टोटली कैसा है आपको समझा चुके हैं, NaCl कैसा है, 100% आयोनिक है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर की एंट्री होगी, फिर वहीं से फजंस रूल आ रहा है। तो कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है NaCl के टाइप जैसे मॉलिक्यूल्स में, NaCl 100% आयोनिक है, बट ये याद करो कि Na कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, Na फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल हम स्टडी कर चुके हैं, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कली मेटल्स का मेंबर है, और इस सोडियम के ऊपर कौन है याद दिला देता मैं, सोडियम के ऊपर कौन है, लिथियम, और लिथियम के टॉप पर हाइड्रोजन, ऐसा पीरियोडिक टेबल में था। अब हम लिथियम की बात करेंगे, ये लिथियम कितना इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड 1, और सोडियम में कितने होते हैं, सोडियम में तो आपको पता है 2, 8, 1, सोडियम के पास 3 ऑर्बिट है और लिथियम के पास केवल 2 ऑर्बिट है, तो बताओ स्मॉलर साइज का कौन होगा, लिथियम होगा ना स्मॉलर साइज का, स्मॉलर साइज का कौन होगा, लिथियम होगा। अब सोडियम से आप उसकी सोडियम की साइज से लिथियम की साइज का कंपैरिजन करिए, लिथियम में 2 ऑर्बिट है इसलिए लिथियम स्मॉलर इन साइज होगा एज कंपेयर टू सोडियम। अब देखते हैं लिथियम जब क्लोरीन से रिएक्ट हो तो क्या होगा, ये लिथियम, ठीक है, ये क्लोराइड, क्लोरीन आया, क्लोरीन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का भी डायग्राम यहां बना देगा, 2, 8, 7, इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन,
तीन, ऑर्बिट कितने हैं तीन है, आउटर में सेवन, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर में सेवन, एक ये पार्टनरशिप में देगा, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में। अब ये देखेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा क्या, यानी पार्टनरशिप का बोल तो रहे हैं, ये पार्टनरशिप में देगा क्या, नहीं। ये तो सोडियम के ग्रुप का है ना लिथियम, तो सोडियम ने कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, सोडियम ने आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया था, तो लिथियम भी तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका मतलब क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेवन। अब ये लिथियम अपने आउटर का इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, ये क्लोरीन का है सेवन इलेक्ट्रॉन आउटर में। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट है, वो लिथियम इसको दे देगा, ये दे दिया लिथियम के जो आउटर में था यहाँ। कौन सा बॉन्ड है ये, अरे लिथियम तो क्लोराइड से रिएक्ट होगा, तो जैसे सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट होता है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना, इसी तरह लिथियम भी अपने इलेक्ट्रॉन को इसको क्लोरीन को डोनेट कर देगा, कर दिया डोनेट किया गया, ये लिथियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। अब लिथियम की साइज कैसी है, लिथियम की साइज स्मॉलर है। अब ये क्या करता है, दिए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस अपनी तरफ खींचेगा, क्यों, कि जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो कौन से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्जन हो जाएगा। लिथियम जब अपने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो खुद पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइज उसकी स्मॉलर है एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम के कंपैरिजन में लिथियम की साइज क्या है, स्मॉलर। तो ये दिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, किधर अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट टू इटसेल्फ फ्रॉम क्लोरीन, क्लोरीन से ये जो पेयर है, जो क्लोरीन को लिथियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, वो लिथियम वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, किसके कारण, ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज। तो क्या होगा, ये स्लाइडली यहां आ जाएंगे सेंटर में, जगह बदलूंगा, ये यहां, ये यहां। बताओ अगर इलेक्ट्रॉन किसी दो एटम के सेंटर में हो तो कौन सा बॉन्ड बोलोगे उसको, अरे उसको तो फिर आप क्या बोलोगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलोगे ना। कहां है लिथियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड, पहले था आयोनिक बॉन्ड, कब, जब लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, तो ये यहां थे, अगर ये यही रहते तो क्लोरीन नेगेटिव होता, लिथियम पॉजिटिव होता। अब लिथियम स्मॉलर साइज का था सोडियम के कंपैरिजन में, तो ये दिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा, ये लेगा, ये यहां से यहां ट्रांसफर हो गए, सेंटर में आ गए। अब जब दो एटम के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाए तो वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, लेकिन ये पूरे अपनी तरफ नहीं ला सकता, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करता, मतलब इसमें कुछ परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। फिर से समझिए, लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, स्मॉलर साइज का था, दिए हुए इलेक्ट्रॉन को ये वापस अपनी तरफ लेगा और सेंटर में ले आएगा, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, सेंटर में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब इसमें होना कौन सा कैरेक्टर था, आयोनिक, लेकिन आ कौन सा गया, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये इस लिथियम की साइज पर डिपेंड होता है, यही फजन्स का फर्स्ट रूल है। अब पहले ये देखेंगे कि लिथियम ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किए, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, लिथियम कौन सा आयन है, लिथियम पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन क्यों है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसलिए पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, और पॉजिटिव आयन एटम के कंपैरिजन में कैसा हो जाता है, स्मॉलर। ये लिथियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ और इन इलेक्ट्रॉनों को सेंटर में ले आया खींच कर, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है पोलराइजिंग पावर। क्या
क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर किसके पास होती है, या पोलराइजिंग पावर क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को इसने डोनेट किया था उसके साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड अट्रैक्ट करना, इसी प्रॉपर्टी का नाम है पोलराइजिंग पावर। किसके पास होती है, ये होती है पॉजिटिव आयन के पास। किसके पास होती है ये पोलराइजिंग पावर, किसके पास होगी, पॉजिटिव आयन के पास होती है। मतलब पोलराइजिंग करना, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करना, ये पावर पोलराइजिंग पावर। अब इसका क्या हुआ, ये स्फेरिकल इन शेप था, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां थे ना, ये एटम मॉलिक्यूल स्फेरिकल इन शेप होते हैं, ये क्लोरीन ऐसा था स्फेरिकल इन शेप राउंड, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां थे इस पोर्शन, लिथियम ने अपनी तरफ खींचे अट्रैक्ट करे, तो इनकी सिचुएशन क्या हो गई, ये यहां सेंटर में आ गए। मतलब लिथियम ने क्या किया, अपनी पोलराइजिंग पावर से, लिथियम ने अपनी पोलराइजिंग पावर से इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट कर। अब इधर जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए तो इसका जो स्फेरिकल शेप है वो बिगड़ गया, डिस्ट्रॉय हो गया, बिगड़ गया, विकृत हो गया। क्या हो गया, पहले यह था ऐसा स्फेरिकल इन शेप, अब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इसका क्लाउड इधर चला गया ना, रीशेप हो गया, मतलब इसकी शेप चेंज हो गई। इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी। क्लियर, पहला है पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर के दिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेना, सेंटर में लाना, कोवेलेंट बॉन्ड को, कोवेलेंट प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना, और दूसरा क्या है, नेगेटिव आयन के शेप को डिस्ट्रॉय करना, बिगाड़ देना। पहले ये स्फेरिकल इन शेप था, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये ऐसा जाएगा, और ऐसे जाने के कारण इसका शेप बिगड़ जाएगा, बिगड़ने के कारण उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नेगेटिव आयन। तो इस केस में अजंस के तीन रूल, रूल की स्टडी हम बाद में करेंगे, पहले इनको टोटली राइटिंग वर्क में करेंगे, पहले ये समझिए, लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से हम फिर से स्टार्ट करते हैं फजन्स के रूल। फजन्स के रूल में हमने दो चीज की प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी को स्टडी किया, एक पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जिसको उसने डोनेट किया था, वो प्रॉपर्टी पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयन, और दूसरा नेगेटिव आयन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का शेप, जो इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल इन शेप में थे क्लाउडिंग में, उनका शेप चेंज हो जाना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये अपने शेप को चेंज करेगा, उसको बोलते हैं हम पोलराइजेबिलिटी। तो फजन्स का फर्स्ट रूल है, ध्यान से समझ, पहले किसके लिए है दो रूल, फर्स्ट और सेकंड रूल पॉजिटिव आयन के लिए, और एक रूल किसके लिए है, नेगेटिव आयन के लिए। पहले हम दोनों कंटिन्यूटी में पॉजिटिव आयन के लिए समझेंगे। पॉजिटिव आयन का जितनी साइज स्मॉलर होगी, क्योंकि पहला रूल किसके लिए है, पहला रूल पोलराइजिंग पावर के लिए है, पहला रूल किसके लिए है, पोलराइजिंग पावर के लिए और पॉजिटिव आयन, तो लिखते हैं पोलराइजिंग पावर, शॉर्ट में लिख दिया इसको, पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इनवर्स टू द साइज ऑफ आयन। ये रूल है, अब इसको समझे कैसे है, किसी भी पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर उसकी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना आयन स्मॉलर साइज का होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर स्मॉलर इन साइज, जितना पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज का होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर हायर होगी। ये सिंपल सा रूल है। अब
इसका एग्जांपल समझे। अच्छा दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि पोलराइजिंग पावर आयन पर तो डिपेंड है, आयन की साइज पर डिपेंड है। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन हायर इज पोलराइजिंग पावर, वो उतना ज्यादा खींचेगा जितना छोटा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करें, एक एग्जांपल। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना है जो एलिमेंट जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपने वैलेंसी शेल से उतना ज्यादा स्मॉलर होता जाता है। जैसे लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, BCl3 एंड CCl4। कितने आयन है इसमें, क्या एग्जांपल लिखा मैंने, चार कंपाउंड को लिखा है। अब ये देखें इसमें कि लिथियम के पास चार्ज कितना है, +1। बेरिलियम के पास चार्ज कितना है, +2। बोरान के पास पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3। कार्बन के पास कितना है, +4। ये चार्ज है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, उनके वैलेंसी सेल पे उतना चार्ज होगा। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए, कार्बन। इनमें ऑर्बिट सेम है, लिथियम में भी दो ऑर्बिट होते हैं, बोरान बेरिलियम कार्बन सब में दो दो ऑर्बिट, और ये क्लोरीन से अटैच है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए हैं, कार्बन। तो कार्बन सबसे स्मॉलर होगा, और सबसे स्मॉलर होगा तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को सेंटर में सबसे ज्यादा लाएगा, जो सेंटर में सबसे ज्यादा लाएगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। ये देखिए आंसर आ गया, सबसे हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। क्यों, कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, चार इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है तो पोलराइजिंग पावर कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, कार्बन की सबसे ज्यादा होगी तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा लाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा लाएगा तो कोवेलेंट कंपाउंड वाटर इनसोल्युबल, इसका मतलब ये वाटर में इनसोल्युबल होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसके डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट लोअर रखते हैं और वाटर इनसोल्युबल रखते हैं। तो ये फजन्स का फर्स्ट रूल है, पहले इसको लिखेंगे फिर दूसरे रूल की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब सेकंड रूल की बात करेंगे, फजन्स के सेकंड रूल की बात करेंगे। सेकंड रूल भी पॉजिटिव आयन के लिए, क्योंकि पॉजिटिव आयन का किस्सा स्टोरी खत्म कर लें फिर नेगेटिव आयन का रूल पढ़ेंगे। बुक में आपको पहले पॉजिटिव का है, फिर नेगेटिव का, लास्ट में फिर पॉजिटिव आयन का, हम दोनों पॉजिटिव आयन की पहले बात करते हैं। ये वही पोलराइजिंग पावर के बारे में, पोलराइजिंग पावर ऑफ पॉजिटिव आयन। अब ये सेकंड रूल क्या है, ये डिपेंडेंसी है वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पर। जैसे NaCl, NaCl बना तो Na ने, Na में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 281। बताओ जब Na इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्लोरीन को, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 281। सोडियम अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, क्लोरीन को, एक डोनेट कर दिया वैलेंसी सेल का, उसके पास क्या बचा, अब बैक साइड तो 8 इलेक्ट्रॉन बचे ना। अजंस बोलता है कि इसकी पोलराइजिंग पावर लेस होगी, तो अजंस बोलता पोलराइजिंग पावर हायर किसकी होगी। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझा, Ag रिएक्ट विद क्लोरीन, क्या बनेगा, AgCl हो गया फॉर्मेशन। अब Ag के पास चले, Na की तो स्टोरी समझ में आ गई, Na अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को डोनेट करता और NaCl का फॉर्मेशन करता, उसके बैक साइड क्या बचे, 8। इसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी, लेस होगी, किसके रूल के अकॉर्डिंग, फजन्स रूल के। तो फिर ज्यादा किसकी होगी, हायर किसकी होगी, देखिए Ag में इलेक्ट्रॉन कितने, 47। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, 18, 18, 1, ये होगा 47 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 18, लास्ट 1। ये सिल्वर का डायग्राम, सिल्वर के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ये किसको डोनेट करेगा,
क्लोरीन को किसका फॉर्मेशन करे हैं? AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करे। अब बताओ इसके बैक साइड कितने लगता है? सिल्वर के बैक साइड तो 18 ही लगता है, सोडियम के बैक साइड कितने बचे? 8। यही भजंस का सेकंड रूल, क्या बोलता है भजंस? कि जिसके इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके बैक साइड में रिमेनिंग हो तो उसकी पोलराइजिंग पावर लेस होगी एज कंपेयर टू जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग। तो पोलराइजिंग पावर किसकी हायर होगी? ये फजंस का सेकंड रूल है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो 18, उसकी पोलराइजिंग पावर हायर होती है। इसीलिए पोलराइजिंग पावर यहां किसकी हायर होगी? Ag की। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, कॉपर भी है ऐसा जिसके एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके बैक साइड 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी हायर होगी, और भी बहुत सारे। तो अभी एक एग्जांपल से समझिए फजंस का सेकंड रूल कि जब Ag एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करता है तो उसके बैक साइड 18 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो फजंस रूल के अकॉर्डिंग सिल्वर की पोलराइजिंग पावर हायर होगी एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम के बैक साइड 8 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो। क्लियर? अब देखो Ag की पोलराइजिंग पावर हायर है तो AgCl में कोवेलेंट कैरेक्टर हायर होगा। NaCl तो आयोनिक कंपाउंड है ना, सबसे पहले समझाएगा आपको इसमें कितना परसेंट आयोनिक है। NaCl में तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता कंप्लीटली, NaCl 100% आयोनिक है। और NaCl वाटर में क्या होता है? सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल है, NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है। आप पढ़ चुके आयोनिक कंपाउंड वाटर सोल्यूबल होते हैं, जबकि HgCl में कौन सा कैरेक्टर आ गया? Ag की पोलराइजिंग पावर हायर है फजंस रूल से, इसके कारण इसमें कौन सा कैरेक्टर है? कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। तो कोवेलेंट कंपाउंड तो वाटर इन सोल्यूबल, तो AgCl जब भी वाटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट हो जाता, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता। AgCl वाटर सोल्यूबल नहीं है, इसी के कारण फजंस के सेकंड रूल के कारण। ठीक है, थर्ड रूल अब आएगा नेगेटिव आयन की पोलराइजेबिलिटी। नेगेटिव आयन का जो शेप चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी नेगेटिव आयन की उसकी साइज पर डिपेंड है, ये थर्ड रूल है। और पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नेगेटिव आयन, जितनी साइज लार्जर होगी नेगेटिव आयन की उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मींस मैक्सिमम द पोलराइजेबिलिटी, मैक्सिमम लार्जर इन साइज, जितना ज्यादा साइज में लार्जर होगा नेगेटिव आयन उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी हायर होगी। डायग्राम बना के समझाता है, जैसे लिथियम से कौन रिएक्ट हुआ? क्लोराइड। फिर लिथियम से कौन रिएक्ट हुआ? क्लोराइड। लिथियम से कौन रिएक्ट हुआ? ब्रोमाइड। लिथियम से कौन रिएक्ट हुआ? आयोडाइड। फ्लोरीन में 2 ऑर्बिट, क्लोरीन में 3 ऑर्बिट, ब्रोमीन में 4 ऑर्बिट, आयोडीन में 5 ऑर्बिट। सबसे लार्जर साइज का कौन है? सबसे लार्जर साइज का आयोडीन है, बाकी तो लिथियम तो कॉमन है ना, इसमें लिथियम का रूल थोड़ी लगेगा। जो एलिमेंट कॉमन होता है उसका रूल अप्लाई नहीं करना है, जो डिफरेंट है उनके रूल अप्लाई होते हैं। ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, लिथियम में 2 ऑर्बिट तो स्मॉलर साइज का, ये नेगेटिव आयन है, लिथियम इसमें पॉजिटिव आयन होता है। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये तीनों नेगेटिव आयन है, चारों क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ये चारों नेगेटिव आयन है इसमें, और लिथियम इन सब में क्या है? पॉजिटिव आयन। तो थर्ड रूल लगेगा फजंस का
tolerizability of negative ion depend upon their size. Larger the size, higher is polarizability. जितना larger size का होगा polarizability उतनी ज्यादा होगी. क्यों? कि size में बड़ा होगा तो nucleus का control outer electron पर कमजोर होगा, weak होगा, तो electron का cloud change जल्दी से होगा. जैसे फ्लोराइड स्मॉलर साइज का, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम आएगा. क्यों? कि फ्लोरीन की साइज स्मॉल आ रही और हम ये वाला रूल लगा रहे हैं, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें आएगा? लिथियम क्लोराइड. उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? लिथियम आयोडाइड, मतलब कि आयोडाइड की साइज लार्जर है. और जितना नेगेटिव आयन लार्जर होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा. हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर तो ये वाटर इनसोल्युबल हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट कैरेक्टर लाता है. तो आयोनिक कंपाउंड से कोवेलेंट कैरेक्टर जब आते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. ये फजन्स का थर्ड रूल है. अब इनको राइटिंग में करेंगे. यहां पर सेकंड रूल को फिर से लिखिए.